चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद खेसारी लाल यादव की आने वाली फिल्म दुल्हन गंगा पार के का ट्रेलर एक बार फिर से आने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी हां, आपको बता दें कि दुल्हन गंगा पार के का ट्रेलर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर 26 मार्च को ही रिलीज होना था, लेकिन ट्रेलर अभी तक भी रिलीज नहीं हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो खेसारी लाल यादव का ऑफिशियली म्यूजिक चैनल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर ही दुल्हन गंगा पार के का ट्रेलर रिलीज होना वाला था, लेकिन रिलीज नहीं होने के कारण भोजप्रिय दर्शक काफी ज्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कहा है कि कुछ टेक्निकल कारण के कारण फिल्म का ट्रेलर अभी रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर का रिलीज डेट जल्द ही खेसारी लाल यादव अनाउंस करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि दुल्हन गंगा पार में पहली बार खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव भी भोजपुरी पर्दे पर अपना जलवा दिखाते हुए नजर आएगी। आपको बता दें कि दुल्हन गंगा पार में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ एक बार फिर से भोजपुरी हॉट अदाकारा काजल राधवानी का हॉट रोमांस भोजपुरी दर्शक देख पाएंगे। आपको बता दें कि दुल्हन गंगा पार के का एक फुल भोजपुरी पारिवारिक फिल्म है जो सभी भोजपुरी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आएगा। खेसारी लाल यादव के स्टेटमेंट के अनुसार यह फिल्म बच्चे बड़े बूढ़े सभी लोग भोजपुरी दर्शक एक साथ देख सकते हैं। अब देखना यह है कि ट्रेलर का रिलीज डेट कैंसिल होने के बाद अब ट्रेलर का ऑफिशियली रिलीज डेट नया कब अनाउंस किया जाता है।